अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आप ताजमहल के बारे में 22 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 22, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी, ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 21, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 20, ताजमहल की जो चार मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 19, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 18, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलूट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। नंबर 17, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी, प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयां नहीं होती थी, वो जबरदस्त शान और शौकत ऐशो इशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 16, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लैपिस लाजली अफगानिस्तान से आया था, टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 15,
ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 14। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लैजली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 13। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। नंबर 11। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। नंबर 10। 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 9। 1989 में एक भारतीय लेखक PN ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महाल्या था। सन 2000 में PN ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था, इस बात के कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 8। एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाएं, औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह शाहजहां के काला ताज बनवाने की बात कही जाती है, वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताज बनवाना चाहते थे। नंबर 7। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 6। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। नंबर 5।
कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पे बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 3, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां का सारा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते, और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को भी अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार ही था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 1, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयान की है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत और ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही, और उसकी सल्तनत को भी खत्म हुए कई जमाने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद से जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है, और सदियों तक सुनाती रहेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ताजमहल के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा। और अगर आप हिस्ट्री और फिलोसफी से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।